नेपाल में भारी बारिश हो रही है। इस वक्त हम कोसी बैराज पर मौजूद हैं। सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। अब तक 5 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी डिस्चार्ज हो चुका है। कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 6,81,000 क्यूसेक तक पानी डिस्चार्ज होने की संभावना है। बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सुपौल प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। लोगों से ऊंचे स्थानों पर शरण लेने की अपील की गई है। जल संसाधन विभाग भी अलर्ट मोड में है। अधिकारियों को तटबंधों की सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगले 48 घंटे तक संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थलों पर कैंप करने को कहा गया है। कोसी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। निचले इलाके में जो लोग रहते हैं उन लोगों को रिलीफ कैंप्स में ले जाया जा रहा है। सुपौल प्रशासन भी अपने तरफ से पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। नेपाल में अगले 1-2 दिन तक बारिश होती रहेगी, इसलिए बिहार में जो है बाढ़ का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। कोसी, महानंदा समेत कई नदियां जो हैं वो बिहार में उफान पर हैं। आपको बता दें, देखिए यहाँ पे बहाव बहुत तेज है और सभी 56 जो फाटक हैं कोसी बैराज के वो खोल दिए गए हैं। बिहार में 13 जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की जो है वो चेतावनी जारी की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने जिला अधिकारियों को अलर्ट रहने और जरूरी तैयारी करने का आदेश दिया है। तो कोसी बैराज की क्या स्थिति है वो हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मैं शशांक कुमार, ABP News, सुपौल।